हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का सेट 6। और ये एग्ज़ाम 8/8/2017 को आफ्टरनून शिफ्ट में हुआ था, तो ये सीरीज़ का सेट सिक्स है। और बाकी के सेट भी आप देखिए, तभी आपको अंदाज़ा होगा कि 2017 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस एक हार्डली वाला ये क्वेश्चन और एक ये नो सूनर वाला क्वेश्चन है, ये रिपीट हुए हैं। सेट 5 में भी ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए थे। तो यहाँ पर आप जैसे ही देखते हैं, हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जीबिशन वेयर आई लर्नड अबाउट द मेजर रॉबरी। जैसे ही मैं एग्जीबिशन में पहुँचा, वहाँ पर मुझे पता पड़ा एक बड़ी रॉबरी के बारे में। तो हार्डली वाले जो सेंटेंस होते हैं, जिसमें हार्डली और स्केसली आता है, उसके बाद हम यहाँ पर ये जो सेकंड सेंटेंस होता है, जैसे ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, ठीक है। क्लॉज मतलब सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इसमें रीच्ड एक वर्ब है और इसमें लर्नड एक वर्ब है। तो जितनी वर्ब होती हैं उतने ही क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि हार्डली के बाद, जैसे हार्डली लगा है यहाँ पर, तो हार्डली के बाद सेकंड क्लॉज में हम वैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेयर जो है ये गलत है, और ये वेयर किस पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है। तो इसमें आंसर होगा आपका सेकंड, ठीक है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से मैं वहाँ पर पहुँचा ही था, ये इसका मतलब होता है। और हार्डली, स्केर्सली और बेयरली ये निगेटिव वर्ड्स हैं, और निगेटिव वर्ड जब सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब को इन्वर्ट कर देते हैं, उसको उलट देते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब जो है, ये हेल्पिंग वर्ब ये पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। इसको हम ऐसे यदि बोलेंगे हार्डली आई हैड, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। हार्डली एड हैड आई हम इसको बोलेंगे। तो ये वाला पार्ट तो सही है, सेकेंड पार्ट जो है इसमें गलत है। नो सूनर जो होता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया हार्डली के बाद हम वैन लगाते हैं, हार्डली और स्केसली के बाद, और नो सूनर के बाद हम देन लगाते हैं। ये नो सूनर जो है जिसमें ER आता है, इसके बाद हम ये देन का इसमें हम प्रयोग करते हैं। इसमें भी ये गलती हो सकती है, यदि देन लगा है तो वो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। देखिए, ये नो सूनर वाला सेंटेंस है, और नो सूनर वाला सेंटेंस में इसको हम सेट 5 में भी कर चुके हैं। नो सूनर के साथ यहाँ पर, ठीक है, इस सेंटेंस में हम, जैसे ये सेकंड क्लॉज है, ये सेकंड क्लॉज है, ये फर्स्ट क्लॉज है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर नो सूनर के बाद यहाँ पर हम देन का प्रयोग करेंगे, THAN देन। और इसमें सेकंड पार्ट में गलती है, तो इसमें आपका सेकंड, इसमें आपका आंसर होगा नो सूनर इज़ फॉलोड बाय देन, लेकिन इसमें नो सूनर के बाद क्या लिखा है, वैन, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। यहाँ से फिलर स्टार्ट होते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ही टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इज स्पीच, ठीक है। एवर्टेड का अर्थ होता है रोकना, किसी चीज़ को रोक देना। एडवर्टेड का अर्थ होता है किसी तरफ अटेंशन शिफ्ट कर देना, ठीक है। एक्सक्लेम का मतलब होता है आश्चर्य के साथ किसी चीज़ को इमोट करना, आश्चर्य के साथ किसी चीज़ को व्यक्त करना। मेंशन का मतलब कहना। तो यहाँ पर देखिए, टू जो वर्ड है ये एडवर्टेड के साथ जुड़ता है। एडवर्टेड का अर्थ होता है अटेंशन को शिफ्ट कर देना, जैसे एडवर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, टर्न अटेंशन। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने ही एडवर्टेड टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इन हिज स्पीच, अपनी स्पीच में एयर पॉल्यूशन की तरफ उसने लोगों का ध्यान खींचा। तो ये सेंटेंस का मतलब है, और यहाँ पर एडवर्टेड टू सही आंसर आपका होगा। एवर्टेड का अर्थ होता है रोकना, यानी प्रिवेंट करना किसी चीज़ को, ठीक है। एक्सक्लेम का मतलब आश्चर्य के साथ किसी चीज़ को कहना, मेंशन का मतलब कहना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एडवर्ट टू का मतलब है टर्न अटेंशन, और एवर्ट का अर्थ होता है प्रिवेंट, किसी चीज़ को होने से रोकना। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये। रोहन इज सो मैग्नेनिमस दैट एवरीवन इज ऑलवेज टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट्स। हम किसी व्यक्ति की हेल्प कब करना चाहेंगे, यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, डोनेशंस वगैरह देता है, गरीबों की मदद करता है, तो जो दूसरे अच्छे लोग हैं वो भी उत्सुक रहेंगे उसकी मदद करने के लिए, यदि कोई मैग्नेनिमस व्यक्ति है। मैग्नेनिमस होता है एकदम उदार, लिबरल और बड़े दिल वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेनिमस। तो जो मैग्नेनिमस व्यक्ति होगा उसको सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए ईगर रहेंगे। तो इसलिए ईगर यानी उत्सुक यहाँ पर आपका सही आंसर होगा।
इंथुजियास्टिक मतलब उत्साही, रिलक्टेंट तो नेगेटिव वर्ड है, रिलक्टेंट का अर्थ होता है अनविलिंग, और इग्नोरेंट का अर्थ होता है जो अज्ञानी है, जिसको कुछ नहीं पता। तो ईगर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। मैग्नेनिमस के कुछ सिनोनिम्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। मैग्नेनिमस को आप जेनरस भी बोल सकते हैं, चैरिटेबल बोल सकते हैं, बेनिवोलेंट बोल सकते हैं। एक ये अच्छा वर्ड है म्यूनिफिसेंट, मैग्निफिसेंट का इक्विवेलेंट है ये। एल्ट्रिस्टिक यानी परोपकारी, फिलेंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी, और शिवेलरस ये थोड़ा सा अलग वर्ड है। शिवेलरस ये बहादुरी के लिए यूज होता है। तो यहां पर ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं सकुलेंट। सकुलेंट का क्या अर्थ है? सकुलेंट का अर्थ होता है कोई चीज बहुत ज्यादा जूसी है, टेस्टी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सकुलेंट। इसकी स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका आंसर होगा सी, जूसी, मॉइस्ट, लसियस। टेंडर भी इसका मतलब होता है, टेंडर मतलब मुलायम। और इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा ड्राई, सकलेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉन्ग्रीगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, इस बार भी ये सेट सिक्स में रिपीट हुआ है। कॉन्ग्रीगेशन हम बोलते हैं ऐसे लोग जो कहीं पर गैदर हुए हैं, नॉर्मली वर्शिप के लिए। जब हम वर्शिप करते हैं, पूजा घर में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, वहाँ पर जो लोग इकट्ठे होते हैं उस समूह को हम कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा असेंबली। कॉन्ग्रीगेशन के ये सिनोनिम्स हैं, फ्लॉक है, स्वाम है, बेबी है, हॉर्ड है, और मल्टीट्यूड है। मल्टीट्यूड का अर्थ होता है भीड़, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, और फ्लॉक, स्वाम, बेबी, हॉर्ड, ठीक है। एक होता है HORD जिसका अर्थ होता है इकट्ठा करना, और एक होता है HORDE, होर्ड। दो इसमें मीनिंग होते हैं। चलिए आगे के कुछ वर्ड देखते हैं। इवेनेसेंट, इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। EVANESCENT, EVANESCENT, इवेनेसेंट। इवेनेसेंट का अर्थ होता है जो टेम्परेरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अपोजिट पूछा गया है, अपोजिट होगा इसका एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग मतलब जो परपेचुअल है, जो हमेशा रहने वाला है। तो फ्लीटिंग एक्चुअली इसका सिनोनिम होगा, क्योंकि फ्लीटिंग का अर्थ होता है टेम्परेरी। एरेटिक का अर्थ होता है इरेगुलर, जो अनियमित रूप से होता है या जो कंसिस्टेंट नहीं है, उसको हम बोलेंगे एरेटिक। और इल्यूसिव, जिसको कैच करना बहुत मुश्किल काम है, उसको हम बोलते हैं इल्यूसिव या इल्यूसिव। देखिए इवेनेसेंट का यहाँ पे सिनोनिम्स दिए हैं फ्लीटिंग, पासिंग, टेम्परेरी एंड मोमेंटरी, ट्रांजिटरी। तो ये काफ़ी सारे वर्ड हैं इसमें इवेनेसेंट के। फ्लीटिंग एक अच्छा वर्ड है, पासिंग मतलब जो थोड़ी देर बाद पास हो जाएगा, टेम्परेरी, मोमेंटरी और ट्रांजिटरी एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। ट्रांजिटरी मतलब जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांजिट कर जाएगा, यानी थोड़ी देर के लिए है। इरेटिक जो अनप्रिडिक्टेबल है, जिसको देख के आप बता नहीं सकते कि इसके द्वारा क्या होगा, अनप्रिडिक्ट मतलब उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इनकंसिस्टेंट है, जो लगातार नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ, उसको हम बोलते हैं इरेटिक। और इल्यूसिव का अर्थ होता है मिस्टीरियस, रहस्यपूर्ण, या डिफ़िकल्ट टू फाइंड, डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, डिफ़िकल्ट टू अचीव, इन सभी के लिए हम यूज कर सकते हैं मिस्टीरियस या इलूसिव, ठीक है। इरेटिक का अर्थ है अनप्रिडिक्टेबल या इनकंसिस्टेंट, और इवेनेसेंट का अर्थ है टेम्परेरी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एवर लास्टिंग। पैनीजिरिक इसको हम पढ़ेंगे। पैनीजिरिक का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की जब हम प्रशंसा करते हैं, प्रशंसात्मक कोई स्टेटमेंट या कोई भी चीज़ होती है, तो उसको हम बोलते हैं पैनीजिरिक। और अपोजिट इसका होगा क्रिटिसिज्म, ठीक है। नॉक्सस जो होता है वो हार्मफुल होता है। यहाँ पर इन वर्ड्स के मीनिंग हम देख लेते हैं। नॉक्सस का हार्मफुल हानिकारक होता है। ग्रैंडर का मेजेस्टी होता है, शानदार। फैंटेसी का अर्थ कल्पना या सपना होता है, ठीक है। और पैनीजिरिक के हम कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। पैनीजिरिक के ये सिनोनिम्स हैं, ईओलॉजी होता है, स्पीच ऑफ प्रेज होता है, पीन होता है, एकोलेट। एकोलेट एक अच्छा वर्ड है। तो पैनीजिरिक जिसका अर्थ होता है प्रशंसात्मक, और इसका एंटोनिम होगा क्रिटिसिज्म। टू पुट आई स्पोक इन वंस व्हील, स्पोक हम बोलते हैं जो पहिए की जो तान होती है, जो जिसमें एक पहिए के अंदर जो बीच बीच में लगी रहती हैं एल्युमिनियम की ताने, उसको हम स्पोक बोलते हैं। और यदि कोई पहिया, कोई व्हील एक घूम रहा है और इसमें आप स्पोक डाल दें,
तो आप एक डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे सामने वाले व्यक्ति के लिए. तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू पुट ए डिफ़िकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस. ठीक है, ये एक मुहावरा है और डी इसका आंसर होगा टू पुट अ डिफ़िकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस. प्रिवेंट समवन फ्रॉम कैरिंग आउट अ प्लान, ये भी इसका मतलब हो सकता है. नेक्स्ट हम देखते हैं एट लॉगर हेड्स. लॉग एक्चुअली हम बोलते हैं जो जो लाठी या डंडा जो होता है उसको हम लॉग बोलते हैं. तो एट लॉगर हेड्स मतलब दो आदमी आमने सामने खड़े हैं और दोनों के हाथ में डंडे हैं और दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं. तो एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है कि दो पार्टीज़ के बीच में डिसएग्रीमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एट लॉगर हेड्स. तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी, टू कॉन्फ्लिक्ट विद समवन. ये एक इडियम है और यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने और दिया है, द गवर्नमेंट द टू गवर्नमेंट्स आर स्टिल एट लॉगर हेड्स ओवर द आईलैंड. आईलैंड के ऊपर वो लोग कॉन्फ्लिक्ट में है, लड़ाई कर रहे हैं. शी इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास. इसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है आपको. देखिए, शी के लिए दो एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं, एक बेस्ट और एक वाइजेस्ट. वो बेस्ट भी है और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी है. तो चूंकि दोनों एडजेक्टिव ये एक ही फॉर्म में हैं, दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री में हैं ये, और दोनों ही शी के लिए यूज़ हुए हैं, इसलिए हम आर्टिकल को कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं. ठीक है, चूंकि बेस्ट भी शी के लिए यूज़ हुआ है और वाइजेस्ट भी शी के लिए यूज़ हुआ है, तो इसलिए आर्टिकल को दो बार लेने की ज़रूरत नहीं है. द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट कहने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इसको हम कॉमन ले सकते हैं. इसलिए इस सेंटेंस का आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका. ये एक टिपिकल SSC क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये पूछा जाता है. देखिए, यहाँ पर हम तुलना किस चीज़ की कर रहे हैं, द पीपल ऑफ जापान की तुलना किससे कर रहे हैं. द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका, इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जापान के लोग अमेरिका से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, जबकि सही सेंटेंस होना चाहिए जापान के लोग अमेरिका के लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं. यहाँ पर हम जापान के लोगों की तुलना अमेरिका से कर रहे हैं, जबकि हमें जापान के लोगों की तुलना अमेरिका के लोगों से करनी चाहिए. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन द पीपल ऑफ अमेरिका. ठीक है, द पीपल ऑफ की जगह आप दोज ऑफ लगा सकते हो, क्योंकि पीपल जो है वो प्लूरल है, इसलिए आप बोल सकते हो द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन, यहाँ पर आप बोल सकते हो दोज ऑफ अमेरिका. ठीक है, पीपल आर वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका, ये जो ऑप्शन है ये आपका इसमें सही आंसर होगा. दैट ऑफ हम लगाते हैं सिंगुलर के लिए, ये दैट ऑफ, ये ऐसे यहाँ पर पीपल की जगह कुछ और होता है, सिंगुलर कोई नाउन होती. ठीक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं आपका दैट ऑफ, और प्लूरल के लिए यानी बहुवचन के लिए हम लगाते हैं दोज ऑफ. तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका. सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है इसमें. फासिस्ट की स्पेलिंग तो सही लग रही है, सही है. करियर की स्पेलिंग भी सही है, अपैरल की स्पेलिंग भी सही है. हाइजीन में HYGI होता है एक्चुअली, HYGIENE, हाइजीन. हाइजीन मतलब साफ सफाई, उसको हम बोलते हैं हाइजीन. तो हाइजीन की स्पेलिंग इसमें गलत है. और ये EI वाले जितने भी वर्ड होते हैं ये SSC एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, फासिज़म हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप को, कोई तानाशाह होता है और पूरे देश में उसी का हुक्म चलता है, तो उसको हम बोलते हैं डिक्टेटर, और डिक्टेटर के लिए एक वर्ड है फासिज़म. यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिजाइड यानी रहना, रिवाइज, फेरना, एडवाइस, सलाह देना. डिमाइस की स्पेलिंग गलत है इसमें, डिमाइस की स्पेलिंग होती है DEMISE, और इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति की डेथ हो जाना. तो डिमाइस यहाँ पर गलत है और यही इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टोरी कहने में माहिर है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेकंट्यूर. टायरो होता है एक ऐसा व्यक्ति जो नौसिखिया है, जो नया नया है किसी फील्ड में. फेनेटिक जो जो उन्मादी है, जो इतना जिसके अंदर जोश और जुनून है कि उसको हम पागल की संज्ञा दे सकते हैं, पागलपन है जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं फेनेटिक. और वेंट्रल होता है एब्डोमिन से संबंधित. यहाँ पर देखिए सारे मीनिंग्स मैंने दिए हैं. वेंट्रल का अर्थ होता है ऑन और रिलेटिंग टू द अंडर साइड ऑफ एन एनिमल और प्लांट, एब्डोमिनल. ठीक है, रेकंट्यूर का अर्थ होता है पर्सन हु टेल्स एनेक्डोट्स इन ए स्किलफुल एंड अम्यूजिंग वे.
टायरे का, टायरो का अर्थ होता है नौसिखिया, नोविस या विगनर. फेनेटिक का अर्थ होता है अ पर्सन फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड जील, स्पेशली फॉर एन एक्सट्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉज. तो वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, इसका सही आंसर होगा रेकंट्यूर. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, फियर ऑफ फायर. फियर ऑफ फायर को हम क्या बोलेंगे, और फियर ऑफ फायर के लिए एक वर्ड है आर्सन फोबिया. इसको पायरोफोबिया भी हम बोलते हैं, ठीक है. आर्सन फोबिया सही आंसर होगा. एस्ट्रोफोबिया, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का डर होता है. फोबिया का मतलब होता है डर. एस्ट्रो मतलब ये एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, जो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं, सूरज चांद और जितने भी स्टार्स होते हैं, उससे डर, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोफोबिया. एस्ट्राफोबिया होता है थंडर और लाइटनिंग जो बादलों में होती है, उसका डर. और एयरहैन फोबिया, आदमियों का डर, ठीक है. तो यहाँ पर आंसर होगा आपका आर्सन फोबिया. यहाँ पर ये सारे मैंने दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से. नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं पैराजंबल, और ये हैं इसके ऑप्शंस. पैराजंबल्स में देखिए बेसिक चीज़ क्या होती है कि सबसे पहले नाउन आएगा, उसके बाद प्रोनाउन आएगा उसको रिप्लेस करने के लिए. तो सबसे पहले आप इसमें एक नाउन से सेंटेंस शुरू करेंगे, एक पैराग्राफ शुरू करेंगे. इंडिया इज़ ए कंट्री विच रिस्पेक्ट्स स्पिरिचुअलिज्म मच मोर देन मटेरियलिज्म. मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर धार्मिक चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू है, मटेरियल चीज़ों की वैल्यू कम है, ठीक है. और इसके बाद आप बोल सकते हैं, पहले आप इंडिया के बारे में बोलेंगे तो उसके बाद आप इंडिया के लोगों के बारे में बोलेंगे. तो ये सेंटेंस फर्स्ट हो जाएगा. उसके बाद आप बोल सकते हैं पीपल आर जनरली वेरी ओपन एंड एक्सेप्ट सोशल चेंज विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड. यहाँ पर पहले इंडिया के बारे में हमने बताया, फिर यहाँ पर उसके लोगों के बारे में बताया. तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड सेंटेंस. उसके बाद यहाँ पर आपने नाउन लिया और इसको इंडिया को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर फिर पीपल, इंडिया के पीपल के बारे में बोला आपने. यहाँ पर आपने स्वामी दयानंद के बारे में बोला और उसके बाद स्वामी दयानंद को रिप्लेस किया फिर ही से. तो ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा यहाँ पर SQRP, ठीक है. SQRP फोर इसमें आंसर आपका हो जाएगा. इस तरीके से इनके आंसर्स आपको देना है. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पैराजंबल का ये क्वेश्चन है और इसमें हम देखते हैं फॉर दैट. देखिए इसमें प्रोनाउन आया है तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता. प्रोनाउन वाले सेंटेंस बाद में आते हैं, सो वाले सेंटेंस भी बाद में आते हैं, ठीक है. सो से हम कंक्लूजन निकालते हैं. और यहाँ पर हम एम के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ का एम वो इसमें नहीं पता, इसलिए ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता. यहाँ से सेंटेंस फर्स्ट हो सकता है. When we talk of investing in education, a question arises as to what kind of education needs to be given to the youngster. ठीक है, ये needs to be है, actually needs to be given to the youngster. जब हम education के बारे में बात करते हैं तो एक question arise होता है कि किस तरह की education हमें youngsters को देनी है. तो ये हो जाएगा first, ठीक है. इसके बाद आप बोल सकते हैं, उसके बाद ये वाला सेंटेंस बोल सकते हैं, आर एम इज़ टू इवॉल्व नॉट ओनली एन एफ्लुएंट सोसाइटी बट एन इजिलिटेरियन जस्ट ह्यूमन एंड कंपेसनेट सोसाइटी. तो इसके बाद ये वाला सेंटेंस बोल सकते हैं. यहाँ पर आप एजुकेशन के गोल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर फिर उस एम के बारे में बताते हैं कि किस तरह की एजुकेशन देने की हमें ज़रूरत है. वेन वी टॉक ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन नीड्स टू बी गिवन टू द यंगस्टर. यहाँ पर हमने ये बात की है कि किस तरह की एजुकेशन देने की ज़रूरत है यंगस्टर को. और यहाँ पर फिर हम ये बताया है कि हमारा एम क्या होना चाहिए, ठीक है, हमें किस तरह की सोसाइटी करनी है. तो इसलिए यहाँ पर आप ये वो सेंटेंस बोल सकते हैं. फिर इस एम को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक बात बोली गई है, फॉर दैट वी नीड पीपल हु पजेस नॉट ओनली हाई स्किल्स बट हाई वैल्यू एज वेल. तो ये हो जाएगा आपका थर्ड सेंटेंस. उसके बाद यहाँ पर बताया है सो द नीड ऑफ द आर, मतलब इसको करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है. सो द नीड ऑफ द आर इज़ नॉट ओनली स्किल बेस्ड एजुकेशन बट ऑल्सो वैल्यू इंस्पायर्ड एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. ये हो जाएगा फोर. तो आर एस पी क्यू, ठीक है, आर एस पी क्यू आपका सही आंसर इसमें होगा और इसमें डी आपका सही आंसर होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन है, प्लीज़ गाइड मी. ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये बनेगा. और प्लीज़ की जगह हम
इस तरह के सेंटेंस इसमें प्लीज की जगह हम लगा देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज गाइड मी का हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी। चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसलिए वर नहीं आएगा इसमें, हैव नहीं आएगा और बीइंग नहीं आएगा, बीइंग आता है कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और यूनिवर्सल ट्रुथ को हम उसका उसका जो टेंस होता है उसको हम चेंज नहीं करते, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो हमेशा प्रेजेंट में ही लिखा जाता है, उसका टेंस चेंज नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये एक क्लोज टेस्ट है और इसको हम पढ़ते हैं। द एनर्जी इन इंडिया आर मेड फ्रॉम बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेस। देखिए, एनर्जी जो होती है उसके दो सोर्सेस होते हैं, एक कमर्शियल जिसको बड़े लेवल पर बिजनेस पर्पजेस के लिए और गवर्नमेंट के द्वारा जिसको यूज़ किया जाता है, और एक होती है नॉन कमर्शियल मतलब जिसको घरेलू यूज़ में लिया जाता है। एक होती है कमर्शियल मतलब जो बिजनेस पर्पज़ के लिए रहती है, और एक होती है नॉन कमर्शियल। तो ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मैट। अब देखिए यहाँ पर एक कीवर्ड है मैट। मैट वर्ड किसके साथ लगता है? मैट वर्ड डिमांड और रिक्वायरमेंट के साथ लगता है। डिमांड पूरी करने को हम बोलते हैं मीट द डिमांड, और रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत उसको पूरा करने के लिए हम बोलते हैं मीट द रिक्वायरमेंट। तो ये यहाँ पर एक कीवर्ड है मैट, तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट के साथ हम मीट वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सोर्सेज तो बिल्कुल गलत होगा क्योंकि सोर्सेज तो आगे दिया ही है इसमें, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट। हम ऐसे नहीं बोल सकते, मेट के साथ या तो डिमांड वर्ड जाएगा या रिक्वायरमेंट वर्ड जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेस इन का अर्थ होता है कम होना, तो इसका तो कोई सेंस नहीं है। अवेलेबिलिटी का अर्थ होता है उपलब्ध होना, कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट फ्रॉम बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज। मतलब जो रिक्वायरमेंट है इंडिया में एनर्जी के, वो कमर्शियल नॉन कमर्शियल सोर्सेज से पूरे हो जाते हैं। द मोस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आर कोल एंड नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी एंड कोल, जो कोल और नेचुरल गैस हैं वो कैसे हैं? इनसिग्निफिकेंट और एक्सपेंसिव तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम महंगे होने की इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है इसमें। और एक्सपेंसिव भी गलत होगा क्योंकि सस्ते और महंगे होने की हम यह बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मोस्ट वर्ड लगा हुआ है, तो इसलिए मोस्ट के साथ हम क्या वर्ड लगा सकते हैं? दो वर्ड लगा सकते हैं, वाइटल और इम्पोर्टेंट। लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे इम्पोर्टेंट, वाइटल नहीं लगाएंगे। वाइटल का अर्थ होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बिना, मतलब मोस्ट नेसेसरी और जिसके बिना कोई भी काम को करना मुश्किल हो, असंभव हो। इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, समथिंग इम्पोर्टेंट हैज़ हाई सिग्निफिकेंस। कोई चीज़ यदि इम्पोर्टेंट है तो उसका मतलब यह है कि उसका वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका सिग्निफिकेंस जो है हाई है। बट समथिंग वाइटल इज़ एब्सोल्यूटली नेसेसरी, मतलब वाइटल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बिना काम नहीं चलेगा। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। जैसे यदि आप ये सेंटेंस पढ़ें नीचे, योर आर्म्स एंड लेग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट योर हार्ट एंड ब्रेन आर वाइटल। मतलब हार्ट और ब्रेन के बिना काम नहीं चलेगा, एक व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, लेकिन आर्म्स और लेग्स के बिना एक व्यक्ति का काम चल सकता है, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस बताया वाइटल और इम्पोर्टेंट के बीच में, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इम्पोर्टेंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर कोल एंड नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर एंड द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर हम देखते हैं, ऑन द अदर हैंड फायरवुड, काउ डंग, केक्स एंड वेजिटेबल वेस्ट, नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये नॉन कमर्शियल फॉर्म है, जैसे जैसे गोबर होता है गाय का, उसके कंडे होते हैं, उसको हम बोलते हैं काउ डंग केक्स, या फायरवुड होता है, या वेजिटेबल वेस्ट होता है, इससे भी एनर्जी बनाई जाती है। तो ये बनाते हैं आपका नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये घर में बनती है और घरों में ही ये यूज़ होती है। तो इसमें हम यहाँ पर इनसे मिल के नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी बनती है। ठीक है,
नॉन कमर्शियल फॉर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये होता है, काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, फायरवुड, इसलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कहना सही होगा, ठीक है। बाकी कंबाइन का मतलब तो जोड़ना होता है, मिक्स का मतलब एक दूसरे में मिलाना, कलेबोरेट का मतलब एक किसी साथी के साथ पार्टनर करना, तो इनके सेंस नहीं बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूट मतलब इससे मिलके नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी, देखिए डिमांड वर्ड आ गया, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डिमांड और रिक्वायरमेंट के साथ मीट आता है, मीट जो वर्ड है डिमांड के साथ और आपका रिक्वायरमेंट के साथ और एक्सपेक्टेशन के साथ भी आता है, आशाएं पूरी करना, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मीट, पूरा करना, ठीक है। व्हाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी मीट द डिमांड, कोल इज द इसमें आएगा आपका लार्जेस्ट कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया, कोल सबसे बड़ा कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हाईएस्ट हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा अमाउंट है उसमें, इसलिए हाईएस्ट यहाँ ऊंचे होने की बात नहीं कर रहे हैं, हैवी होने की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये सेट सिक्स था आपका सीजीएल टीयर वन का, इसमें 25 क्वेश्चन थे, और इसके रिगार्डिंग कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर और इन व्हाट्सएप नंबर पर आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।